वहीं ग्वालियर के शिवपुरी लिंक रोड पर शनिवार दोपहर हुए लूट और हत्याकांड के पुलिस ने शहर में संचालित कलेक्शन एजेंसियों और सिक्योरिटी गार्ड के लोगों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में खासकर बैंक के कलेक्शन वाहनों को किस तरह से पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए और इसके बारे में एसपी ने सुरक्षा एजेंसियों को टिप्स दिए हैं। उन्हें हर हालत में सुरक्षा मानकों के पालन करने के निर्देश दिए हैं और पुलिस ने बताया है कि सुरक्षा एजेंसियों को रजिस्टर्ड होना चाहिए और उनके गार्ड भी ट्रेंड होने चाहिए, लेकिन कई एजेंसियां बिना अनुभव और गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के विपरीत संचालित की जा रही हैं। शनिवार को HDFC बैंक के सुरक्षा गार्ड की हत्या के बाद पुलिस ने इस बैठक का आयोजन किया। सार्वजनिक मीटिंग बुलाई थी और उसमें सारी सुरक्षा और CMS और ये सारी कंपनियों को आदेश दिए हैं, सुरक्षा के बारे में समझाया और बताया। पहला तो जो एजेंसी अपनी गाड़ियां लगाती है, क्या वो सारे सुरक्षा मापदंडों का पालन कर रही है जो गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं कि गाड़ी किस प्रकार की होनी चाहिए, क्या उसमें कोई लॉक होना चाहिए, किस प्रकार की उसमें बाइंडिंग होनी चाहिए।